Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Radio City 91.1 पर मेरा नाम है सोड, मेरे साथ है पलक। हमारा एक शो आता है जिसका नाम है डबल डेकर, और सुबह से लगभग 3.5 करोड़ इंटरव्यू देने के बाद फाइनली अपने आखिरी इंटरव्यू पर हमारे स्टूडियो में राजपाल यादव और पलाश मुछाल आए। थैंक यू। 3.5 करोड़ नहीं, 3.5 इंटरव्यू। ये सूट गलत बोल रहा। सुबह से मैं आपके इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि इधर गए उधर गए प्रमोशन के लिए, तो अभी आपने एक बहुत, एक तो क्या होता है ना पलक, जब हम किसी को आदि हो जाते हैं देखने के लिए कि आपको मोस्टली कॉमेडी रोल में हम देखते हैं, और जब एक ऐसे सीरियस रोल में देखते हैं तो डबल हिट करता है हमको। करेक्ट। अर्ध में जैसे हमारे साथ यही हुआ, हमने प्रोमो में देखा एक बार के लिए, मैं कितने लोगों को प्रोमो दिखाया, हम सब लोगों ने एक पॉज दिया और उसके बाद अपना कमेंट दिया। तो सबसे पलाश, तुमने मूवी लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी किया है। मतलब मुझे लगता है इंटरव्यू भी तुम ही ले लो, प्रोड्यूस भी तुमने किया, राइट? हां जी। पैसे भी खुद के लगाए हैं। मतलब क्या हो रहा है यार, इतनी बाली सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी, 95 बोने, 95, और इतनी गहरी जिम्मेदारी, इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी। मैं खुद ही इसको देख के मैं बोला कि ये, मुझे पहले डाउट हो गया कि ये मूर्ख तो नहीं बनाएगा कि क्योंकि सब्जेक्ट लाइक अर्थ, ये क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग सब थिएटर के, हम समझते हैं कि क्या इसकी एस्थेटिक गहराई है, मजाक ही ना बन जाए ना, इसको आप बहुत प्रॉपरली हैंडल करो। और जो मस्खरे होते हैं, इनकी इमेज मस्खरागिरी की होती है, वो आप वर्ल्ड के इस साल की जोकर कहीं से दो दुनिया में सबसे बड़े मस्खरे हुए हैं, वो अंदर से बहुत गंभीर मशवरे के साथ खड़े हुए हैं। बहुत गंभीर मशविरा होता है जिनके अंदर कोई मस्खरागिरी होती है। तो हम लोग एक सेकेंड में कोई सब्जेक्ट सुनते हैं तो हम उसका मूड समझ जाते हैं कि इसमें इनको स्लैपस्टिक कॉमेडी चाहिए, कि इनको रियलिस्टिक कॉमेडी चाहिए, कि इनको ब्लैक कॉमेडी चाहिए, या इनको एक नहीं सिंबॉलिक कॉमेडी चाहिए, या कॉमेडी ऑफ एरर चाहिए। एक कॉमेडी की 10-12 बहनें हैं, लेकिन वो कॉमेडी का मीनिंग ज्यादातर अगर उसकी डिटेल के बारे में ना लोगों ने पढ़ा हो तो वो एक ही कॉमेडी समझते हैं। कॉमेडी मतलब एक कुछ भी कर दो वो कॉमेडी है। हाँ। लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉमेडी नहीं, एंटरटेनमेंट की ब्लैक ह्यूमर है कि या स्ट्रेट ह्यूमर है, या सिंबॉलिक ह्यूमर है, या सटायरिकल ह्यूमर है। वो चीजों में जब हमने इनकी 2 मिनट कहानी सुनी, नरेशन दिया आपको, नरेशन 2 मिनट और 2 मिनट नरेशन प्रॉपर था, लेकिन सर ने 2 मिनट में बोल दिया कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। अब मैंने सर से पूछा, सर इसका फीस क्या होगी सर, क्योंकि अभी तो मैं ही कर रहा हूँ, तो सर ने बोला बेटा 1.25 रुपए होगी। व्हाट? एंड सर ने जो स्क्रिप्ट उसी पे साइन किया एंड बोला उसके बाद जो लगे वो दे। बट मतलब क्यों ऐसा आपको फील आया, बिकॉज ये खुद इतने अच्छे काम करते आए हैं जिंदगी भर, या स्टोरी आपको इतना दिल को छू गया, व्हाट वाज द रीजन? देखिए ऐसा तो लोग बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। अरे अब क्या है कि पैसा तो सबको जरूरत है, आटा और आर्ट का तो कॉम्बिनेशन, इसीलिए तो हम सब लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको उठाने के लिए पहले हिम्मत चाहिए, फिर उसको फिल्माने के लिए हिम्मत चाहिए, फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि रियलिस्टिक बेस पे जो फिल्में होती हैं और रील, उन इल्यूजन के रूप में रील जब क्रिएट करते हो ना, तो ये कितना कैसा सब्जेक्ट बनेगा ये पहले से अंदाजा लगाना जी बड़ा मुश्किल होता है। जी, जी, जी। तो हम लोग चूंकि इंस्टीट्यूट के लोग हैं, हमने हर कोने का पानी पिया हुआ है क्रिएटिविटी का, कि ये फिजिकल है, ये साइको फिजिकल है, या ये मेंटल है, अलग अलग। तो आई थिंक 2 मिनट में अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आई तो फिर 2 घंटे भी सुनाते रहो तो नहीं समझ में आएगी। right. और जब अगर आर्टिस्ट को स्टोरी 2 मिनट में समझ में नहीं आई तो पब्लिक को क्या, तो 100% आप सही कह रहे हो कि वो 2 घंटे के बाद पब्लिक को भी नहीं समझ में आएगी। जैसे एक फिल्म रिलीज हुई थी और वो फिल्म लोग ने नहीं देखी, तो फिर वो आर्टिस्ट ने कहा कि नहीं लगता है जनता वो समझ नहीं पाई। तो आई थिंक वहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि आपके जीवन में कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, जनता के लिए आप बना रहे हो तो सबको, जनता को पहले फोरग्राउंड में रख के आपको उनके आसपास का, ताकि उनको, चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो चाहे बगैर पढ़ा लिखा, डायरेक्ट उनको बगैर एफर्ट के स्टोरी समझ में आनी चाहिए। सिंप्लिसिटी सबसे पावरफुल चीज है। राइट।
तो सर आपको बताया कि आप जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आई एम श्योर ऐसे भी फिल्म का पार्ट रहे होंगे जो डब्बा बंद हो गई, जिसकी शूटिंग शुरू हुई या नहीं हुई या आधी शूटिंग होकर डब्बा बंद हो गई। तो चूंकि पलाश खुद प्रोड्यूसर थे उस टाइम, किसी की बैकिंग नहीं थी, न्यू डायरेक्टर, आपको नहीं लगा कि यार ऐसा भी इसके साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं पलाश, तुम्हारे साथ भी तुम्हें भी थोड़ा डाउट हुआ होगा? नहीं यार, क्योंकि ना हम लोगों का होमवर्क बहुत अच्छा हुआ था। हालांकि मूवी मैं बताऊंगा तो 13 दिन में मैंने शूट खत्म किया है। एंड हाँ जी, एंड रियल लोकेशन मुंबई में किया है। इम्पॉसिबल, 13 दिन। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि लगभग इतना तो प्रमोशन में ज्यादा लग गया होगा। 3 महीने, 3 महीने का इन लोगों का रिहर्सल, प्री प्रोडक्शन। इन्होंने लगाए तो उसपे 6 महीने 7 महीने, लेकिन शूटिंग के पहले का ज्यादातर मुझे एज एन एक्टर में सीखने का ये मौका मिला कि अगर पोस्ट प्रोडक्शन से स्ट्रांग, बहुत अगर स्ट्रांग आप प्री प्रोडक्शन कर लेते हो तो आपकी आधी जलालतें फिल्म आने में कम हो जाती हैं। पूरी टीम को बधाई देता हूँ पलाश की, जिस तरीके से चाहे असिस्टेंट हो, चाहे कॉस्ट्यूम हो, चाहे मेकअप हो, सबको एक एक मूवमेंट मालूम था। एक शॉट बहुत कमाल है जहाँ पे आप सिगरेट पी रहे हैं और पीछे से वो यार कितना सुंदर शॉट है, मतलब वो कितनी सारी बातें कहता है वो शॉट। और एक साड़ी पहन के मुंबई का हर कोने में खड़ा किया है। और एक मैं बताऊंगा सूट और पलक की, एक मतलब हम लोगों ने बहुत सारी लाइव लोकेशन पे शूट किया है, एंड एक दो जगह गुरिल्ला शूट भी किया जहाँ पता नहीं था कि कैमरा कहाँ है, लोगों को पता नहीं कि शूटिंग भी चल रही है। एंड सर का गेटअप था कि वो किन्नर के इसमें पार्वती के रूप में, सो एक जगह वो पैसे मांग रहे थे अपना इनऑर्बिट सिग्नल पे, अच्छा, मालाड में। एंड वहाँ पे एक आंटी ने सेंट्रो, एक कार थी, उसको नीचे शीशा करके 10 रुपए हाथ में दिए। अच्छा, पिक्चर की फीस से ज्यादा तो वहाँ मिल गए। अभी अभी रेडियो सिटी के माध्यम से एक राज की बात बताऊं? हाँ। जी बताइए। जुहू पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो जुहू पे एक सिग्नल जहाँ पे 10th रोड पे, क्योंकि इनोरबिट से लेके जुहू सिग्नल से लेके हम चर्च गेट तक कहीं भी जहाँ पे भी किसी को कोई असुविधा ना हो, लेकिन रियल शूटिंग करने की कोशिश की। तो जो 10th रोड है ना, उधर से वहाँ पे सिग्नल हुआ जहाँ आई लव मुंबई लिखा, और उससे पहले हमारा शॉट था, हम गाड़ी से उतरे और हमें भीख मांगनी थी, तो मैंने ऐसे ऐसे किया तो एक गाड़ी वाला था तो मुझे लगा ये पैसे दे रहा है, और उसने सीधा हाथ पकड़ के हमें खींच लिया। और ये बात शायद यूनिट वालों के लोगों ने रिकॉग्नाइज कर ली थी, और हम बड़ा मुश्किल, अरे मैं छोड़ गया, अब हम ये भी नहीं बता, उसको लग रहा है वो क्या बोल रहा है, तू अच्छी लग रही चल, मतलब आज चल, और मैं उसे हाथ छुड़ा रहा हूँ, और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अभी मैं राजपाल अभी तू तुझे घाटा हो जाएगा अबे तू गलत फहमी हो जाएगी, ठीक है। और जब उसने हाथ छोड़ा तो एक्चुअली मैं कैमरा हमें पीछे फॉलो कर रहा था, लेकिन हम उधर चले गए, डिस्टर्ब तो पूरे हो गए थे। और फिर उसके बाद में मैं एक वही 10th रोड पे किनारे, जो नहीं होती है किनारे पे पाथवे के पास, उस पे मैं बैठ गया, और एक रियल दरिद्र नारायण जो मिले उनके साथ 15-20 मिनट ऐसे चुपचाप बैठे में उसकी बात सुन रहा था। और कालीचरण पूरा कि कैसा माहौल चल रहा है आजकल भीख मांगने का, और कितना परेशान, और मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। क्या प्रॉब्लम्स चल रही है? वो बता रहा था कि आजकल भीख क्या मिलने में, जैसे धंधा धंधा चलने में जो जो प्रॉब्लम, कोरोना ने धंधा कैसे चौपट किया है, वैसे ही ये धंधा आज की डेट में कैसे परिवार चलाएं, कैसे ये करें, यहाँ पे आदमी ये समझता नहीं, पैसे वो देता नहीं। मैं 15 मिनट तक चुपचाप उसकी बात हूँ हूँ करके, क्योंकि उसको लग रहा था मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, और एक्चुअली मैं वो शॉट ले रहे थे, नहीं वो शॉक से बाहर आने की कोशिश कर रहा था जिसने मेरा हाथ पकड़ खींचा था। बट फिल्म में जो लोग देखने आएंगे, आप थोड़ा थोड़ा कॉमेडी एस्पेक्ट भी मुझे दिख रहा है, सो इज दिस देयर कॉमेडी, आपका अपना रूप, बच्चे वाला डालोगे? हाँ, कि मैं आपको टट्टी तुलवाते रहोगे? लेकिन मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से जो पिछले 10-15 साल से बता रहा हूँ कि मैं ना कॉमेडी ना ट्रेजेडी, मुझे नहीं मालूम किसको कहते हैं कॉमेडी ट्रेजेडी, या मैं हमेशा डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन को फॉलो करता हूँ, और मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि ये रियल नहीं है, ये रील है, चाहे कितनी भी रियलिटी बेस्ड सिनेमा
फैंटेसी बेस्ड सिनेमा, लेकिन रियल का चाकू तो नहीं मारते ना अपन उसको। तो हम हमेशा इस चीज को कहते हुए आए कि हम लोग रील की सेवा करने वाले, वी आर एंटरटेनर्स, और एंटरटेनमेंट हमारी पूजा है। हम सीरियस रोल में भी अगर आपके सामने हैं और आप कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इसके मतलब आप वो सीरियस, क्या जो दिलीप साहब इसके बेस्ट उदाहरण थे, ट्रेजेडी के रोल करते थे लेकिन दिलीप साहब के आंसू आ जाए तो पूरे हॉल में सबके आंसू आ जाते थे। तो इस वो एंटरटेनमेंट है ना, कि रियलिस्टिक एंटरटेनमेंट, बांधना है बस, ऑडियंस बांधना है। अभी आप कोई फिल्म देखने चले गए जो है कॉमेडी, और पता लगा 10-15 मिनट में आपका सर दर्द हो गया, तो उससे बड़ी ट्रेजेडी कौन सी। तो अगर अगर अपन अर्थ को लें, तो अर्थ जो है एक कंप्लीट सोशल सर्वाइवर, जो हमारे होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, सुबह से लेकर शाम तक रोज मेहनत करके पैसे कमा के अपना घर चलाते हैं, लेकिन सबके सपने हैं। और नाउ अडेज बिकॉज ऑफ एवरीथिंग एक्सपोज्ड, देयर इज होल वर्ल्ड बिकेम स्मॉल विलेज, एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। अब तो सपनों की बाढ़ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। तो अब जो है, जितना इंटरनेट आपको पता है उतने मुझे पता है, जितना जीपीएस आपको पता है उतने मुझे मालूम है, कि मुझे नहीं पता तो गूगल में जाओ सब पता लग जाएगा। और क्या क्या बात है सर, आज मतलब मुझे आपका, हमने काफी देर से इंतजार कर रहे थे, यकीन मानिए सर हमारा इंतजार जो है ना वो सफल हो गया। पलाश, इट वाज लवली मीटिंग यू, थैंक यू, प्रोमो देख के इतनी फीलिंग आई है, और सर को देख के तो बहुत अमेजिंग लग ही रहा है, एंड आई रियली होप ये पिक्चर इतनी चले कि तुम्हें सर को लेके इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा। अर्थ रिलीजिंग ऑन Z5 एंड इट इज फ्री, जितना कि मैंने देखा फ्री, आप सब्सक्रिप्शन करो ना करो आपकी मर्जी, लेकिन मूवी फ्री में देख सकते हो। और ये Z5 का बहुत कॉन्फिडेंस दिखाता है तुम पे, कि मतलब वो कितना चाहते हैं कि लोग ये पिक्चर देखें। रेडियो सिटी।